ग्वालियर जिले में बीते दिनों लूट की वारदात के बाद गायब हुए आरोपी को थाटीपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़ा गया आरोपी पिछले 3 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस उसके घर की निगरानी लगातार कर रही थी। जैसे ही आरोपी अपने घर में पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। दरअसल बीते 23 मार्च को सरकारी क्वार्टर निवासी राघवेंद्र माथुर से मोबाइल लूट की वारदात को एक बाइक सवार ने अंजाम दिया था। वारदात के बाद पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर मामले की जांच की तो पता चला कि बाइक सवार सिटी सेंटर इलाके की तरफ भागा है। इसका पता चलते ही पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। कुछ दिनों बाद जैसे ही पुलिस को आरोपी की सूचना मिली तो सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। इसके तहत ही सीएसपी मुराद राजीव जंगले ने कहा कि पकड़े गए लुटेरे से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कुछ अन्य घटनाओं का खुलासा होने की उम्मीद है। मार्च माह में एक घटना घटित हुई थी मोबाइल छीनने की, में से ये अजय आदिवासी नामक जो लुटेरा था जो मोबाइल छीन के ले गया था फरार चल रहा था विगत 3 माह से, और थाटीपुर पुलिस द्वारा काफ़ी समय से इसकी तलाश की जा रही थी और कई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्राप्त किए गए परंतु यह नहीं मिल पा रहा था। कल रात्रि को थाटीपुर पुलिस को सूचना मिली कि यह किसी कारणों से घर आया हुआ है, तो रात को थाना स्टाफ द्वारा दबिश दे के इसको गिरफ्तार 392 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाकर मोबाइल बरामद किया गया। पुराना इसका रिकॉर्ड भी मिला है। हाँ, ये आदिवासी अजय आदिवासी ये पुराना बदमाश है और पुराना में इसका लूट के प्रकरण है।